ईद की तारीख तय करने की प्रक्रिया अक्सर मुसलमानों के बीच बहस और वाद विवाद का कारण बनती है। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। सऊदी अरब, यूएई और तुर्की ने शुक्रवार को ईद मनाई, तो वहीं मोरक्को, पाकिस्तान और ओमान जैसे कुछ देश शनिवार को ईद मना रहे हैं। ईद की तारीख एक दिन पहले नजर आने वाले चांद पर निर्भर करती है। कुछ देश खुद चांद देखकर ईद की तारीख तय करते हैं, तो कुछ यह सऊदी अरब के फैसले पर छोड़ देते हैं। सऊदी शहर सुदैर में खगोलविदों के बीच ईद की तारीख को लेकर तीखी बहस की खबरें हैं। कहा जा रहा है, एक कुवैती खगोलविद ने कहा था, आज चांद को देखना असंभव है, मेरी चुनौती है कि इसे देखने वाला सबूत के तौर पर इसकी फोटो भी खींचे। लेकिन सऊदी अरब ने तमाम विरोध और सवालों को नज़रअंदाज करते हुए ईद की तारीख घोषित कर दी। दुनिया भर में कई लोगों ने सऊदी अरब के चांद को देखे जाने पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, सऊदी अरब में चांद का देखा जाना असंभव था। इस महीने की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भी अनुमान लगाया था कि गुरुवार को यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े क्षेत्र में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। यूएई के खगोलीय केंद्र ने भी उन अनुमानों पर सहमति जताई थी। लेकिन गुरुवार को सऊदी अरब के साथ साथ कुवैत, कतर, यूएई और तुर्की ने भी चांद को देखा। कईयों ने आधिकारिक रूप से चांद को नहीं भी देखा और सऊदी अरब की ओर से घोषित तारीख पर ईद मना ली। जहां गुरुवार को चांद नजर नहीं आया, वे शनिवार को ईद मना रहे हैं। मक्का से आई तस्वीरों में सऊदी अरब का शाही परिवार और बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करते दिखाई दे रहे थे।